हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्लास्टा पढ़ेंगे। ब्लास्टा में कौन से फ्रूट आते हैं, तो आते हैं देखते हैं। ब्लास्टा ये थोड़ा बहुत याद होगा आपको। ये भी एक तरह से सिंपल फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट में आता है, जैसे आप टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़े थे उसमें देखे थे। पहला सिंपल था, दूसरा एग्रीगेट और तीसरा कंपोजिट था। तो वन बाय वन देखते हैं। इसमें आप देखेंगे, पहले एग्जांपल फिगर बनाते हैं, आप देखेंगे फिगर से आप समझ जाएंगे किस प्रकार का फ्रूट है। इसमें देखेंगे सीड स्ट्रक्चर है, ऐसे ही कुछ होता है। ये कैलिक्स है, परसिस्टेंट टाइप का होता है। ये पेरिकार्प हो जाता है, ये आपका सीड है। आप समझ गए होंगे ये कौन सा है। ये पोमग्रेनेट है, या इसको साइंटिफिक है नेम इसका प्यूनिका ग्रेनेटम। और सीड है विथ जूसी टेस्टा। जूसी टेस्टा आगे और देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये जो सीड है, इस प्रकार से होता है। इसमें बीच वाला सीड हो जाता है। अब आप खाए होंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा खाने में हार्ड लगता है, तो इसके कारण स्टोनी लेयर सीड के ऊपर होती है। स्टोनी लेयर और सबसे ऊपर होता है एपिडर्मल लेयर, इसको बोलते हैं। और ये जूसी टेस्टा होता है। ये जब आप मुंह में दबाते हैं तो ये फटता है एपिडर्मल लेयर और जूस मुंह में आ जाता है, मजा ही मजा हो जाता है। इसमें ये पहला जो पॉइंट है वो सिंपल फ्रूट में ही आता है। दूसरा आप बना सकते हैं इसको, ये एक फ्लेशी फ्रूट होता है, यानी ब्लास्टा इज ए फ्लेशी फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम द कहाँ से डेवलप हो रहा है, मल्टी कार्पेलरी। बहुत सारे सीड होंगे इसलिए मल्टी कार्पेलरी, मल्टी लॉकुलर। मल्टी लॉकुलर, मल्टी कार्पेलरी और मल्टी लॉकुलर इन्फीरियर ओवरी से। इसमें जो फ्लेशी फ्रूट होता है वो मल्टी कार्पेलरी और मल्टी लॉकुलर ओवरीज डेवलप करता है। इसलिए इसमें देखेंगे, ये इसका कवर निकालेंगे जो थोड़ा सा लेदरी टाइप का दिखता है, तो बहुत सारे सीड मल्टीपल सीड होते हैं। अगर जो इसको पार्थिनोकार्पिक करते हैं तो आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जब सीड नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका पार्थिनोकार्पिक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं पॉइंट। सीड्स आर, जो सीड होता है आप देखेंगे तो बहुत रेगुलर मैनर में नहीं होते हैं, जहां उनको जगह मिलता है एडजस्ट हो जाते हैं। तो इरेगुलरली, रेगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
इनसाइड द, दिख रहा होगा, नोट करते जाएंगे, फ्रूट, फ्रूट में आप देखेंगे एक मैनर में नहीं रहते हैं, किसी को खोलेंगे तो थोड़ा अलग टाइप का रहता है, इधर उधर में अरेंज रहते हैं, रहते उसी में हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें खाते क्या हैं तो वो देख लेते हैं, तो जूसी टेस्टा एडिबल, ये कवर निकालते हैं और ये आपको मिलता है, इसी को खाते हैं, बीज सहित खा सकते हैं और अच्छा है, जूस बनाएंगे तो बीज निकल जाता है, किनारे हो जाता है सॉलिड फॉर्म में जुड़ जुड़ के, तो ये वाला पोर्शन इसमें जूस भरा रहता है, इसलिए जूसी टेस्टा बोलते हैं। और हल्का सा दबाने पे दांत से थोड़ा स्टोनी समझ में आता है, तो ये स्टोनी लेयर सीट के ऊपर रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अब देखेंगे आगे इसमें कि इसका जो कैलिक्स होता है, यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे डिजाइनर दिखेगा, ये कैलिक्स होता है तो इसमें लगा ही रहता है, तो पांचवा पॉइंट इसको बना सकते हैं कि कैलिक्स इज परसिस्टेंट, यानी सेपल परसिस्टेंट होता है, लगा रहता है। और कहाँ रहता है, एपेक्स पे रहता है, एट द एपेक्स, यहाँ ऊपर में ये लगा रहता है, ये कैलिक्स। ओके, अब देख लेते हैं किसमें इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आप अनार, पोमग्रेनेट, आप बहुत पसंद करते हैं इसको, प्यूनिका ग्रेनेटम, ये आसानी से ग्रो कर जाता है, नॉर्मली हर जगह लगभग पाया जाता है और बहुत सुंदर पौधे होते हैं, छोटे से इतने हाइट के रहते हैं और थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, और देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी है, तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसका जो फूल होता है वो भी लूज मोशन में देते हैं, उससे पेट ठीक हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं, और आप जानते ही हैं ब्लड फॉर्मेशन में बहुत अच्छा ये काम करता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, बोन में कुछ जॉइंट्स में कुछ पेन हो रहा है उसमें यूज में आता है, तो इसको लिख सकते हैं यूज एज, छठा पॉइंट बुना के, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर में यूज करते हैं, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है उसमें भी, उसमें भी इसका यूज होता है। और ये आप जानते हैं कैंसर कितना खतरनाक बीमारी है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जैसे गले में खराश हो गई तो सोर थ्रोट बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोर थ्रोट्स, यूरिनरी डिजीज में भी यूज में आता है। ये स्टोमक, अभी इसके पहले मैंने बताया कि स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आता है यूज में। इसका जो कवर होता है वो बड़ा अच्छा काम में आता है, इसीलिए इसको जो ये एपी कार्प जिसको बोलते हैं, इज लेदरी एंड टफ होता है, ये जो होता है ये लेदरी एंड
थोड़ा सा लेदरी टाइप का दिखता है। इसके साथ साथ देखेंगे स्किन प्रॉब्लम में भी, स्किन की समस्या होती है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आप देखेंगे टेप वर्म, रिमूव टेप वर्म का अगर जो इन्फेक्शन पेट में हो जाता है, कीड़े टेप वर्म अगर जो पेट में आ जाते हैं तो उसको भी ये रिमूव करता है बहुत अच्छे से। फिर देखेंगे ज्वाइंट पेन में भी, जैसे आर्थराइटिस है उसी प्रकार ज्वाइंट पेन हो रहा है उसमें भी काम में आता है, ज्वाइंट पेन। इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पोमग्रेनेट आप मार्केट में हमेशा लगभग दिखता है। इंजॉय करिए और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे, और इस पौधे को भी लगाइए और फल भी खाइए। ओके बच्चों, बाय बच्चों, यहीं क्लोज करते हैं, नोट कर लेंगे।